गाइस, गुड नाइट, गुड नाइट गाइस, आप सो सकते हो रात को। मेरा सकल से कैसा लग रहा है? नहीं जैसे ना, नहीं नहीं, मुंह फुला फुला सा लग रहा, आँख पाँख फुला, जैसे मम्मी सो के उठो। ऐसा नहीं है गाइस, अभी रात को बज रही है 11। सोचा था रात को बैठी हूँ तो सब वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। ये महाराज बैठे पढ़ाई तो करता है नहीं, है ना? पढ़ाई कर बोलती हूँ तो भूख निकाल के बैठ जाता है, फिर थोड़ी देर में फिर वही कितना कोई बोलेगा। मेरा पोते भी गए ऊपर, आंटी से बात करे, मैंने उनका खाने के इंतजार में बैठी हूँ रात को 11 बजे। हमारा बनी है मैगी, तो ये तो रात को मैंने मैगी बना रहा हूँ। ऊपर आंटी से बात करी, मतलब आंटी भी गए, अंकल भी गए, उनका बेट, मतलब उनका पूरा परिवार ऊपर है, हमारा आधा ऊपर है आधा नीचे। आधा भी नहीं होगा तो बस ये सोचा बैठती हूँ वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ, आराम से स्टार्ट कर दूँ। पता नहीं को बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाई, 1 हफ्ता हो गया आज मैंने वीडियो नहीं बनाई, आज फाइनली मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप लोग प्यार ही नहीं देते, मैं क्या करूँ, इसलिए मैं नहीं बनाती। बस तो आपको रात को 11 बजे अभी मैगी बनाए, दिखाती हूँ। घर में आ गई तो अभी रात को 11-12 बजे का घूमते फिरेंगे सारे छत पे, क्या ही होता। ये देखिए हमारे मैगी, ये बोतल कहाँ गया, मेल्ट हो गया। ये देख बोतल डाला, ऐसा मत सोचिए, बहुत अधिक तेज है, बहुत बड़ा है, ठंडा हो जाए। दिखाए नहीं, मैं दिखा जल्दी। तो रात को 11 बजे मैगी बन, क्या सुन। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल प्रिया द ब्लॉगर। तो मैं तो बावड़ी हो गई, मेरा तो छोड़ो, मैं क्या करूँ, कुछ अच्छा नहीं है, बोर हो रही हूँ, इतना बोर हो रही हूँ मैं आपको क्या ही बताऊँ। ना कुछ करने के लिए है, झाड़ू पूछा कर लोगा, ना कुछ बोलने के लिए। हाँ, मेरा बेटा बैठ के पढ़ाई कर रहा है, उसका कल पेपर है, हिंदी का छुट्टी है, तब पढ़ाई कर रहा है। घर का काम तो सारे ऑलमोस्ट हो ही गया, बस पूछा लगाऊंगी, नहाने जाऊंगी, बाल धोऊंगी, फिर उसके बाद पूजा करूंगी, काम सारे हो गया। कपड़ा धोना था सुबह सुबह, आंटी का मैं जा रही थी, मशीन लगाना, आंटी का फोन आया, बेटा आज कपड़ा मत धोइयो, पानी नहीं आ रहा। मैंने बोला ठीक है आंटी जी, कपड़ा नहीं धोते तो सारे निकाल के रख दी हूँ, देखे मतलब शाम को पानी आएगा तो धोऊंगी, नहीं तो कल धोऊंगी। ऐसे नहाने के बाद मेरे को कोई काम करने का मन नहीं करता, आलस आ जाती है, नहाने के बाद मैं चुपचाप फिर जाती हूँ मोबाइल लेके। तो कपड़ा तो नहीं धो पाई, बाकी सारे काम हो गए, पूछा लगाऊंगी, नहाने जाऊंगी, बाल धोऊंगी, उसको नहलाऊंगी। उसने सुबह कल जूस लाया था मैंने गन्ना का, मुझे इतना अच्छा नहीं, मैं जूस गन्ना का जूस अच्छा नहीं लगा, कल पे लाया तो बहुत बार नहीं, कभी पिया नहीं मैंने, मतलब अच्छा था, मीठा था, कोई मुझे पसंद नहीं, तो लाया था कल 50 रुपये के, सारे मिल के पी लेते। आज उसने बोला मम्मी गन्ना का जूस लेना है, मैंने बोला ले आ 10-20 रुपये का। उसने क्या किया ना, 50 रुपये का जूस ले आ, 50 रुपये का जूस कौन पिएगा, उसका पापा तो नहीं, ऑफिस चले गए, तो उसको दिया एक गिलास और पिया। मैंने भी अभी क्या करूँ मजबूरी में एक गिलास जूस लेके आया हूँ पीने के लिए, फ्रिज में यही पिएगा, शाम को पिएगा ना, जब भूख लगेगा प्यास लगेगा जूस पी लेना। तो ये तो बस आज खाना वाना कुछ बनाया नहीं, ना बनाऊंगी, ब्रेड बनेगा, क्या बनेगा बोल, क्या बनेगा, खाना नहीं बनाऊंगी। मुझे सुबह तो उसने मैगी था, मैगी खा लिया, जूस पी लिया, केला खा लिया, मैं ना के आऊंगी, ब्रेड सेकूंगी, ब्रेड खाऊंगी, मैं भी खाऊंगा, वही है मतलब ब्रेड खाएंगे, बस रात को रोटी बनाऊंगी, रोटी ही बनाऊंगी, सब्जी पड़ी है सारे फ्रिज में, बैगन, तो बस रोटी बनेगा, बस इतना ही। बोलते बोलते कितना मिनट हो गया पता नहीं,
तो बस मैं जाऊँ अभी नहा के आऊँ, मतलब पूछा लगा के नहा के आऊँ, पूजा कर लो, फिर आपसे मिलूँगी, तब तक ले बाय बाय। हाय गुड आफ्टरनून। तो मैं आ गई नहा धो के, पूजा पूजा करके सारे करके आ गई हूँ। अभी मैं लंच करी, लंच ये है मेरा लंच, ब्रेड ब्रेड आलू, मतलब आलू और प्याज तो खाना नहीं है, तो मैंने उसको मैं खीरा दे के उसको बटर में सेंक लिया हूँ। और ये थोड़ा सा गन्ना का जूस मेरा बच गया था सुबह का, लाया था, इतना तक ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये लंच करूँगा मैं जैसे सुबह बताया था कुछ बनाऊँगा नहीं, जो रात को बनेगा, रात को बस रोटी बनेगा, उनका तो सब्जी रखी है, मेरा कुछ बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो नहीं खाऊँगी बिना प्याज लहसुन की। तो ये अभी खाना वाना खा लेते, बहुत तेज की भूख लगी है। ये महाराज खा रहे, हाय कर, ये खा रहा है, ये सूखा ब्रेड खा रहा है, मतलब उसको खाली बटर के साथ खाना था और नमकीन सॉस उसने खाया। पर मेरे को एक आलू का भी टेस्ट करना है, वो आलू का भी खा रहा है, मतलब उसका दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। मम्मी भी जो खा रही है उसको भी टेस्ट करना है, अपना भी खाना, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाता उसको खाना क्या है। कोई नहीं, चाय दिल का कच्चा है, उसको दोनों टेस्ट करना है, उसको दोनों हाथ में लड्डू। तो वही जाम के लग जाम के साथ खाना था, बाकी जाम नहीं है, तो मैंने सोचा आलू दे के सेंक ले दूँ। बस मैंने आलू दे के सेंक लिया हूँ। मैं भी थोड़ा नमकीन लाया हूँ, नमकीन, हरी मिर्ची, थोड़ा जूस, तो खा लेते, खा के आपको से मिलती हूँ, बाय। हमारी क्लास में, हमारे स्कूल में 8th क्लास का 80 का होता है, 6th होता है, और तुम्हारी क्लास में 6th। पैराग्राम, अनुच्छेद, सब कुछ हो गया, हाँ, ग्रामर, क्वेश्चन आंसर है ना, क्योंकि अभी तो टाइम है और है नहीं। ग्रामर में मेरे को कुछ नहीं रटे वाले अभी, हैं? क्या मेरे को सामने बोल रहा है, क्या मानना है? हाँ, हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो मैं आ गई किचन में, क्या करने, मैं किचन में आया तो कुछ करने के लिए आया हूँ, मैं तो देख रही कोई आते नहीं, क्योंकि हम किचन से सीढ़ी सीधा, मतलब किचन से होते हुए सीधा ऊपर गया है सीढ़ी, तो बाहर से कोई आएगा तो इधर से पहले मेरे को देखेगा फिर जाएगा। तो मैं किचन में आ गई खाना बनाने के लिए, खाना नहीं बनाऊंगी मैं, बनाऊंगी रोटी, नहीं नहीं सब्जी भी बनाऊंगी। अभी रात को बज रही है 9:45, मतलब 10 बज गई है, तो मैं बना रही हूँ रोटी, आटा गूंद दिया हूँ, अभी रोटी बनाऊंगी, बस रोटी बनाऊंगी। लाइट नहीं था, पानी नहीं था आज, मतलब पानी ख़त्म हो गई, लाइट अभी आई है, मोटर अभी चल रही है, पानी भर रही है, तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी। फिर मैं सुबह का ना थोड़ा सा उधर देख सकते हो कोने में, उधर में आलू और ब्रेड में आलू दिया था, उसमें थोड़ा आलू रखा हूँ, उसका मैं बनाऊँगी जीरा वाला सूखी आलू बनाऊँगी, है मेरे अपने लिए और उनके लिए। सब्जी रखी हुई है, पेंठा, चने की दाल, आलू सब्जी बनाया था वो रखा हुआ है, आलू की सब्जी रखी हुई है, तो बस इसको थोड़ा सा बना दूंगी, फिर हो जाएगा रोटी सब्जी। 10:30-10:30 तक हो जाएगा, फिर 11:30-11 बजे तक खा के सो जाएगी, और क्या, हमारा तो 11:30-11 बजने ही है 12। तो बस अभी मैं फटाफट से खाना की तैयारी कर देती हूँ, इधर मेरा रोटी बनाऊंगी, देख सकते टमाटर गूंद के रेडी हो गया, तो अभी मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी बना के मैं आपसे मिलती हूँ, तब तक ले बाय बाय। तो गाइस मैं तो रोटी बना लिया, रोटी बना के सब्जी बना लिया, सब्जी क्या फ्रिज में तो रखी हुई है, सब्जी उनके लिए गर्म करी, वो मैंने बनाया था पेंठा और चना, चना मतलब काले वाला चना, चना की दाल, आलू, मूली सारे डाल के सब्जी बनाया था, पूरी वाला फ्रिज में था, उनके लिए गर्म करी, वो आलू की सब्जी भी रखा हुआ है,
तो गर्म कर दूंगी अभी थोड़ा सा, मतलब तो एक दो आलू बच गया था, मैंने दिन में ब्रेड में लगा के खाया था तो उसका आलू बच गया था, तो मेरे को प्याज व्याज नहीं खाना है, तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, सोच रही हूँ थोड़ा मतलब जीरा वाला सा सूखी सब्जी बना लूँगी, ऐसे आमचूर का पाउडर डाल के थोड़ा खट्टा खट्टा लगेगा, तो वही बना रहे हैं, तो उसके लिए मैंने तेल गर्म कर दिया, जीरा डाल दिया, थोड़ा मिर्ची डाल रही हूँ क्योंकि उनको मिर्ची खाना पसंद है, तो हरी मिर्ची ख़त्म होगी तो उसमें थोड़ा ज़्यादा वो फ्राई कर लूँगी तो खा लेंगे, तो मैंने मिर्ची डाल दी, जीरा डाल दी, हल्दी डाल दिया, बस और कुछ नहीं, अभी आलू डाल दूँगी, मतलब फ्राई कर लूँगी गोल्डन ब्राउन, तो जिसमें मैं ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालूँगी, धनिया पाउडर डाल दूँगी और मिर्ची पाउडर और थोड़ा आमचूर पाउडर डाल दूँगी, बस बन के रेडी हो जाएगा, बस ज़्यादा नहीं 5 मिनट तो बन के रेडी हो जाएगा, तो वही बना लूँगी। बाकी ये दिन आजकल अच्छा नहीं जा रहा, मतलब दिन बहुत बोरिंग सा लगता है, और पेपर चला दिन भी बड़ा हो गया, धूप का मतलब धूप निकालने जैसे लग गया, अभी मतलब दिन दिन में सारे अपने अपने घर में, कुछ शाम को सारे निकलेंगे बाहर रास्ते में, फिर ये ठंड का मौसम में दिन भर बाहर बैठते थे, रात को घर में घुस जाते थे, अभी गर्मी में दिन भर घर पर बैठेंगे, फिर शाम होते ही निकलेंगे सारे बाहर, तो ये थोड़ा बोरिंग सा लगा था, आपसे कुछ ऐसे पैसा बोल रहा, मतलब थोड़ा मजा मस्ती चल रहा था, तो कोई बुरा मत मानना, तो ये तभी वक्त बात करते करते मेरा आलू भी खाया होगा, तो इसमें मैंने नमक डाल दिया, मिर्ची पाउडर डाल दिया और थोड़ा आमचूर पाउडर डाल दूँगी, बस मेरा सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगा। अगर चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना। गर्मी में फिर इसका पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर सोच रही हूँ कि बाहर जाने के लिए, बोरिंग सा होता है, मतलब अभी तो उसका पेपर तो ख़त्म होने के बाद 10-15 दिन मेरा पूरा छुट्टी रहेगा, कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ है नहीं, फिर से हमारे वैकेशन में तो उसका मतलब होमवर्क मिल जाएगा, बच्चे का इतना होमवर्क देते हैं प्रोजेक्ट वगैरह, उसी में पता नहीं 1 महीना निकल जाएगा, तो सोच रही हूँ कि बाहर जाने के लिए देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो बस यही दिन मतलब अभी उसका पेपर चल रहा है, पेपर में पूरा स्कूल होती है 8 से लेकर 2:30 बजे तक, बाकी स्कूल का तो मतलब पेपर ख़त्म हो गया छुट्टी हो जाती है, फिर मैम ने बोले उसका अब स्कूल में रहने तो बच्चे को जो 1-2 घंटा घर में तो जाकर पढ़ाई करना है नहीं, तो स्कूल में जो 2 घंटा प्रैक्टिस कर लेंगे, मैंने बोला सही है, तो अभी स्कूल में रहता है, फिर बीच में 2 दिन की गैप रहती है, तो बस 10 तारीख तो पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर 10 से शायद मतलब 1 अप्रैल से फिर क्लास शुरू हो जाएगा नया क्लास, तो ये ज़िंदगी में यही सब चल रहा है, सुबह उठ के बच्चे का मतलब स्कूल जाना, ऑफिस जाना, ये घर का काम, डेली का ही रूटीन चल रहा है, बोरिंग होगा ज़िंदगी, फिर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब बर्तन सारा पड़ा है, फिर मतलब बेसिन में पड़ा है, क्योंकि दिन भर पानी नहीं रहा था, जितना पानी था बाथरूम जाने में, फिर ख़त्म हो जाएगा तो दिक्कत होगी, मेरा सब्जी बन के रेडी हो गया, बस यही नहीं है, तो इधर मेरा सब्जी बन के रेडी होगा, उधर रोटी भी मैंने बना लिया है, उनके लिए इधर सब्जी गर्म कर दूँ, फिर हम खा लेंगे, टाइम भी बहुत हो गया 11 बज गया, तो सुबह मिलेंगे एक न्यू ब्लॉक में, तो फिर टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। ये देखा ना, ये लव यू दे, बाय, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, हाँ गुड नाइट, मैं ये कमरे में सोऊंगी और नहीं तो क्या है, गाइस खा रहा हूँ, थप्पड़ एक लगाऊं, हमारा खाना पीना हो गया, अभी हम जा रहे हैं सोने हैं, तो चले, वो काम कर रहे, अभी पता नहीं क्या कर रहे, रात को बज रही है, अभी क्या 11:30 बज गई है, 11:30 बज गई है, मेरा मुंह फूला फूला सा दिख रहा है, पता नहीं क्यों, कोई बात नहीं गए, अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब, अरे यार समझा कर थोड़ा दिखा दो लगे, हाँ हाँ ही कर हमेशा, तुम कुछ बोलोगे, हाँ रात को 11:30 बजे, हाँ कितना मिर्ची खाए, हाँ
सब्जी में तो कम से कम मैंने 3-4 सूखा मुझे जितना डाला था वो भी खाया, मिर्ची वो हरी मिर्ची भी खाया अपना ना वो संभाल ले। हाँ बोल कल पेपर में आधे देख देख मुझसे बैठा मार 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 अधिक अधिक रुक मैं दिखाती हूँ रुक 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 कैमरा मैन कहाँ है मच्छर दिख नहीं रहा कैमरा मैन कहाँ है रुक 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 हेलो हाथ हटा है और मार पॉइंट गन कर काजू खाया था क्या क्या खिलाए थे यही जो होने वाला था क्या क्या खिलाए थे तुम मेरे को मैंने कब खिलाया नहीं खिलाया कुछ एक्स्ट्रा नहीं खिलाया तभी देख मैं चल गुड नाइट ऐ गुड नाइट बोल गुड नाइट ये ना मेरा पति देव पतिदेव ये भगवान पतिदेव क्यों कहते मतलब और कोई कहता पतिदेव जो पूजा करते तो वहीं जाके पूछा कर तो पत्नी देव भी होती है रिकॉर्ड सपोर्ट तो सीट कहते पति बाबा चुपक रहे थे पति परमेश्वर होते भगवान कल पेपर में जाके ये सब लिखना भगवान होते भगवान मैं ढूंढ रहा हूँ कैसे मुझे भगवान ही दिख रहा साल में तो एक बार पूजा करती हूँ फिर भी भगवान नहीं दिखते मैं तो हर जगह क्या है